साथ ही देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आप सभी यह जानते हैं कि आज देश किन संकटों के दौर से गुजर रहा है। स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है, और जो भी इस देश के समक्ष संकट पैदा हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी अपनी हुकूमत चलाई है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साख पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनी थी, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि ऐसे ही भाजपा के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत यह दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बराबर मजबूत होती रही, और आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ गिर रही है। इस सच्चाई से भी हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति अच्छी तरह वाकिफ है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, और ऐसी आर्थिक नीतियां इस कांग्रेस की हुकूमत में अपनाई हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है, आय की विषमता बढ़ती है, तो उस देश को संकटों से कोई ताकत बचा नहीं सकती है। और मैं समझता हूं कि इस देश के समक्ष जो बहुत सारे संकट हैं, इन संकटों से यदि कोई राजनीतिक पार्टी निजात दिला सकती है तो केवल आपकी हमारी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही दिला सकती है। आज यह सारी राजनीतिक पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। हाल में ही आपने भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे का भी बयान सुना है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में बराबर आतंकवाद को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की हो, उस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा करने की जरूरत जो है कांग्रेस के गृहमंत्री के द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भारत ही नहीं सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन यदि कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और जब कभी इस देश के ऊपर कोई संकट आई है, कोई आपदा आई है, तो उस समय अपने सीने का बटन खोलकर खड़े होने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और आप यह जानते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा की जब 1951 में उस आधार पर हम लोगों ने जनसंघ जैसी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी तो उसके संस्थापक अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और उस समय कश्मीर जो भारत का ही हिस्सा था, कांग्रेस की हुकूमत थी, ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि हमारे हिंदुस्तान का ही कोई व्यक्ति यदि कश्मीर में प्रवेश करना चाहता है तो बिना परमिट के वह कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कि जिन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती है। और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कश्मीर में प्रवेश करने का फैसला किया और उन्होंने अपना बलिदान दिया है। बहनों भाइयों, आजाद भारत में देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देने वाला राजनेता यदि कोई रहा है तो हम जिस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में एकता और अखंडता को लेकर बलिदान देने वाला कोई दूसरा राजनेता नहीं है, वो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
इस प्रकार का बेबुनियाद और निराधार आरोप केवल वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा लगाया जा रहा, उनके द्वारा पूरी कोशिश यह की जा रही है हिंदुस्तान की आबोहवा में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया जाए ताकि हम अपनी चुनावी सफलता हासिल कर सकें। लेकिन कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल चुनावी सफलता हासिल करने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और इसी सोच के आधार पर इसे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और बहनों भाइयों, भाजपा ने यह भी आह्वान किया है कि 24 तारीख से, 24 जनवरी से यानी कल से, जो गृह मंत्री का वक्तव्य रहा है उसको लेकर सारे हिंदुस्तान भर में हम आंदोलन करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारा संघर्ष होना चाहिए वह प्रभावी होना चाहिए और हमारी यह भरपूर कोशिश होगी हम इसे लॉजिकल एंड तक ले जाएं और उनके गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य की हम सबके तरफ, हम सबकी ओर से भर्त्सना होनी चाहिए। आज के अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मुझे देश के अपने कर्मठ समर्पित और जुझारू कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। मुझे यह भी विश्वास है आज समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो बैठे हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर कोई उठा सकता है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता उठा सकता है। आज उनकी तरफ किसी की नजर नहीं है और सच है कि उनकी तरफ भी यदि किसी राजनीतिक पार्टी की नजर है तो वह भारतीय जनता पार्टी की नजर है। बहनों भाइयों, इसे हम अपना धर्म माने, गरीबों की सेवा करना, गरीबों के आत्मविश्वास को ऊपर उठाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी अपने कदम आगे बढ़ाएं, यही आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से और हिंदुस्तान के सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से अपील करते हुए और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।